Knowledge is power. We give power to your child. We are Paradise International School, Assamgarh. We provide 360-degree smart classes, digital library, indoor and outdoor games for physical and intellectual growth of students. A special training in the field of athletics. Admission open for playgroup to class 8th. Paradise International School, Kendri Vidyalaya Road, Hirapatti, Assamgarh. माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा। ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। राहुल प्रेक्षागृह में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू, संयुक्त निर्वाचन अधिकारी अनिल सिंह, मंडलायुक्त जगत राज, जिलाधिकारी आजमगढ़ शिवकांत द्विवेदी, जिलाधिकारी मऊ प्रकाश बिंदु, जिलाधिकारी बलिया भवानी सिंह खंगारवत द्वारा संयुक्त रूप से निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण तथा मतदाता साक्षरता क्लब का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा राहुल प्रेक्षागृह में जनपद के चिल्ड्रन कॉलेज, चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल, चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, धर्मपत्ति धर्मा महाविद्यालय, प्रतिभा निकेतन स्कूल, सेंट्रल पब्लिक स्कूल, अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज GGIC आदि विभिन्न विद्यालयों द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने हेतु बनाई गई झांकी तथा रंगोली का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के दिन पूरे मंडल के लोग अधिक से अधिक प्रतिभाग करें तथा नैतिक मतदान करें और किसी भी प्रकार से गलत ढंग से प्रभावित हुए बिना वोट डालें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि हम सभी लोगों को मानसिक रूप से परिवर्तन लाना है। लोकतंत्र की सारी शक्ति मतदाता में निहित है। प्रजातंत्र का मालिक वोटर होता है। प्रजातंत्र में सबको वोट डालने की आज़ादी है। हर एक व्यक्ति के मत का समान महत्व है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक VIP व्यक्ति को मतदाता जागरूकता हेतु आगे आने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य जिम्मेदारी से निभाए तथा अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए स्वस्थ समाज का निर्माण करे और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करे। लोग पिछले काफ़ी दिनों से जो इलेक्टोरल रिवीजन चल रहा है, वो 1 सितंबर से करीब 3 महीने इलेक्टोरल रिवीजन का कार्य चला है। जो इलेक्शन कमीशन के जो थीम है, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी मतदाता ना छूटे, मीन्स हर मतदाता अपनी मतदाता सूची में सही ढंग से नाम दर्ज करा सकें और वोट डालने के लिए भी अच्छे ढंग से प्रेरित कर सकें। ये दोनों का उद्देश्यों को लेके पिछले हम लोग जो है करीब 6 महीने से इसको अभियान चला रहे हैं। इस बार इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब्स भी काफ़ी गठित हुए हैं, चुनाव पाठशालाएँ बनाए गया, बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप्स बनाए गए हैं, NCC NSS स्काउट्स गाइड्स जितने लोग हैं तो सभी लोगों को, और विशेष रूप से जो भी मैंने कहा कि हमारे सारे जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हो और भी जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं और मीडिया के प्रतिनिधि लोग हैं, इन सबको हम लोगों ने हर एक स्टेज पे इनका सहयोग प्राप्त करके क्लीन और हेल्दी इलेक्टोरल रोल्स बनाना, क्योंकि क्लीन और हेल्दी इलेक्टोरल रोल्स दे आर दी द फाउंडेशन फॉर दी क्लीन एंड हेल्दी इलेक्शंस। तो उस दृष्टि से हमारी सभी DMs ने इस पर काफ़ी काम किया है। अभी DM आजमगढ़ कहा भी रहते हैं कि करीब जो है इसमें 1,34,000 वोट इस बार जो अभी जो 31st को जो पब्लिश होने जा रहा है, तो उसमें इतने नए मतदाता इसमें जुड़ेंगे और इन्होंने प्रयास करके जो जेंडर रेशियो है इस पर पहले 822 था, इसको बढ़ा के इन्होंने 856 किया, करीब 34
करीब 34 महिलाओं का, मीन्स पुरुषों को तुलना में महिलाओं की को जो पिछले चुनावों में छूटे हुए थे उन सब का नाम भी उन्होंने इस बार उसको दर्ज कराया। रूपरेखा इसको हम लोग बोलते हैं, इसको टैगिंग करते हैं पहले भाई कहाँ कहाँ पे, सपोज एक बूथ पे कौन कौन लोग हैं ऐसे जिनको एक्स्ट्रा सहायता की ज़रूरत है, तो उनको सहायता को प्रदान करना है तो कैसे करेंगे। तो सपोज हमारे पास शहरों में ई रिक्शा हो या ऑटो हो या बगल वाला कोई है वो उसमें वॉलंटियर है हमारे लिए, NCC, NSS और स्काउट गाइड्स और कोई भी जो वॉलंटियर एजेंसीज के लोग हो तो उनके पास कोई और गाड़ी हो तो वो भी ला सकते हैं, तो उनको भी प्रेरित कर दिया जाए पोलिंग स्टेशन के लिए। और पोलिंग स्टेशन में भी एक व्हील चेयर रखा जाएगा कि भाई इसको कोई चलने फिरने में उनको दिक्कत हो तो उसको वहाँ पे ले जाके उसको करवाया जा सके। और दूसरा, यदि व्यक्ति मान ले कि वोट डालने में उनके पास दोनों हाथ नहीं हैं या उसकी ब्लाइंड है तो उन लोगों के लिए एक सहायता के लिए उनको एक सहयोगी भी प्रदान किया जाएगा। तो इस बार हम लोग प्रयास करेंगे कि भाई जो व्यक्ति वोट डाल सकता है एक्स्ट्रा सपोर्ट के आधार पर डाल सकता है उनको भी हम लोग फैसिलिटेट करें। ये जो 3 स्टेजेस पे हमारा जो प्रोग्राम है जो एम्फसिस है, इन्फॉर्मेशन देना है, फैसिलिटेशन भी देना है और तीसरा मोटिवेशन भी करना है, पार्टिसिपेशन एंड ऑल्सो एथिकल पार्टिसिपेशन, जो निष्पक्ष स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान की जो बात कर रहे हैं। इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने 2 और इसको जो डायमेंशंस बढ़ाया है, ग्रेटर पार्टिसिपेशन एंड स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, अधिक से अधिक भागीदारी हो और वो भागीदारी भी नैतिक आधार पर भागीदारी हो, कोई लोभ लालच और जो डर दबाव प्रभाव इनसे नहीं, आदमी समझदारी के साथ अपनी विवेक के साथ भी अपनी प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी मनपसंद प्रत्याशी को अपना मत देने के लिए कोई एकदम अच्छे माहौल में उनको ऐसा वातावरण सृजित किया जाना है कि वो प्रेरित हो के अपनी इच्छा के अनुसार वोट डाल सके बिना कोई रोक टोक के। ये इस बार सारे फोर्सेस को भी हम लोग समझा देंगे, सारी इलेक्ट्रॉन मशीनरी में जितने लोग लगे रहते हैं उन सबको ये सिखाया जाएगा कि वोटर जो है हमारे मालिक है, वोटर इज द रियल सॉवरेन और वोटर को ही सेवा करने के लिए सारी व्यवस्था खड़ी है यहाँ पे, सारी डेमोक्रेसी की जो आधार वोटर है। तो वोटर की हम लोग हर तरीके का सुविधा भी देना है और उनको हर तरीके से उनको समृद्ध करना है ताकि जो डेमोक्रेसी की जो वास्तविक अर्ध है उस अर्ध के अनुसार, उस स्पिरिट के अनुसार हमारे जो महापुरुषों को जो आदर्श है जो फ्रीडम मूवमेंट के, उन महापुरुषों के आदर्शों और कल्पनाओं के आधार पर हम लोग डेमोक्रेसी को खड़ा कर सकें। इस बार जो है वैसे तो हम लोगों ने बहुत पहले से ये बात चलाया गया कि तो जितना जो उसको बोलते हैं कि डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज, दैट इज़ अ टेक्निकल वर्ड, मीन्स यदि एक व्यक्ति का नाम 2-3 जगह पे दर्ज हो या उस इलाके में है ही नहीं है, उनका नाम फर्जी दर्ज हो गया है, बहुत सारे इस तरह का होता था, तो ये इसको हम लोगों ने BLOC कहा कि भाई पहले उसमें गहराई से तहकीकात कर लें और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी क्लब है, वहाँ पे जो भी सहयोग करने के लिए NCC हो, NSS हो, तो उनका सहयोग लेके तहकीकात कर लिया जाए, क्योंकि एक व्यक्ति एक BLO के पास 1000 वोटर है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि 3 महीने अभियान चला है, तो मेरे ख्याल में 2-4 दिन में पता कर सकता है 1000 नाम पढ़ ले में 300 परिवार, तो 300 परिवार का ये 300 परिवारों में कोई व्यक्ति वहाँ रह रहा है नहीं रह रहा है इसको तहकीकात करना बड़ा मुश्किल नहीं है। हम लोग बहुत तहकीकात करके पहले से उसको हटाने का प्रयास किया। और दूसरा, यदि मान लें कि गांव में भी और शहर में भी नाम है तो ऐसे लोगों को हम लोग छांटने के लिए, तो इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि ये सिमिलर एंट्रीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। सपोज एक का नाम 2-3 जगह आ रहा है तो उसकी नाम का सब मिला के फ़ोटो के साथ मिलान किया जाता है, क्योंकि कभी कभार ये भी हो सकता है कि एक ही नाम का व्यक्ति वास्तव में 2-3 लोग हो तो उसकी फ़ोटो भी मिलान करके देख लिया जाता है और देख के इसको पहचान करेंगे भी वही व्यक्ति है, 2 जगह दर्ज है या अलग अलग व्यक्ति है। हमारे यहाँ पे इस तरह का विथ इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, विथ इन द बूथ और विथ इन द डिस्ट्रिक्ट को इस तरह का पूरा आइडेंटिफाई कर लिया था करके ऐसे सिमिलर एंट्रीज करीब जो है 22 लाख सिमिलर एंट्रीज मिले हैं पूरे प्रदेश स्तर पे। तो ये अलग अलग जगह पे इन लोगों ने वो फार्म भरवा लिया, अभी 31 के बाद उनको जो फर्जी नाम या जो बोलते हैं या रिपीट एंट्रीज या डुप्लीकेट एंट्रीज है 31 के बाद उन सबको नाम हटवाया जाएगा, हो जाएगा। लेकिन एक और बात बता दें,
बहुत बार लोगों को गलत भी हो जाता है कि भाई 31st के बाद क्या कोई व्यक्ति तब भी छूटा हुआ तो उसका नाम नहीं जुड़ेगा क्या? 31st तक जो पब्लिश होने के बाद भी यदि किसी कारण से किसी का यदि नाम अभी भी छूटा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस अपडेशन। वो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक भी आदमी अपना नाम दर्ज करा सकता है, यदि कोई कमी है नाम दुरुस्त भी कर सकता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि 1,34,000 फार्म प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1,32,000 फार्म का पंजीकरण किया जा चुका है। 90,000 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 86,000 स्वीकृत किया गया है। 1,87,718 महिला वोटर बढ़ी हैं तथा अभी भी जेंडर रेशियो में सुधार करने की आवश्यकता है, इसमें हमारी टीम पूरी सक्रियता से कार्य कर रही है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने कहा कि वोट देने का अधिकार सभी का है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें, हमारे वोट का महत्व बराबर है। वोट का प्रयोग करना चाहिए, मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और अगर हमने प्रेम से घर में ये जिद कर लिया कि सबसे पहले जो है वोट का प्रयोग मेरे माता पिता भाई बहन करें, तो मैं समझता हूँ कि हर परिवार उसी दिशा में जाएगा। आपकी बातों का, आपके आग्रह का, आपके हठ का, आपकी जिद का बड़े लोगों का कोई जवाब नहीं। और इसलिए अनुरोध करूंगा कि इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी, इतनी आपने अपनी उत्साह ये पेंटिंग, ये रैलियां निकालने में दिखाई है, आपको उस दिन भी इतनी ही ऊर्जा लगानी होगी अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, हर घर में घुसकर दादा को, भैया को, चाचा को केवल ये कहना कि जाइए आप वोट देकर आइए। और इस वोट से ही निर्णय होगा कि हमारा लोकतंत्र कैसा होगा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव कैसे होंगे और हमारा देश किस डायरेक्शन में जाएगा। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से आजमगढ़ ने विभिन्न मानकों पर बहुत अच्छा कार्य किया है, यहाँ के लोग जितने जागरूक हैं, जो इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग पूरे जिले की तरफ से सर आपको यह आश्वस्त भी करते हैं कि इस बार के इलेक्शन में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी। सब किसी को डरा कर जो मताधिकार न करने के लिए उसको प्रभावित करने का कोई प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इस अवसर पर मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम 2019 में आंगनबाड़ी बीएलओ द्वारा निर्वाचन कार्य में उल्लेखनीय कार्य करने पर राम आश्रय, कविता, शीला भारती, सुनीता देवी, सरिता यादव, रीना साहनी, लक्ष्मी सोनकर, नूर आलम आदि लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया। थाना सिधारी अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड परीक्षा के निगरानी के क्रम में दुर्गाजी पीजी कॉलेज चंद्रेश्वर के प्रयोगशाला सहायक अरविंद राव द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर दूसरे के स्थान पर उत्तर प्रदेश पुलिस पीएससी की परीक्षा दे रहा है, जिसे केंद्रा अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मय ऑब्जर्वर हमरा के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ करने पर अपना नाम अनिल यादव बताया। वह पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस प्रकार की घटना करने के बारे में बताया गया। आरोपी की निशानदेही पर मंगलवार को उप निरीक्षक विजय प्रकाश मौर्य व मैं हमराह द्वारा साक्षी होटल से 10 मीटर आगे आइडल की तरफ से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने के दौरान एक ने अपना नाम ऋषि मुनि व एक का नाम सत प्रकाश बताया गया। इसके पास से 500 रुपये, आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, OMR शीट, प्रश्न पुस्तिका आदि बरामद हुआ। 27 और 28 को पूरे प्रदेश में आरक्षी पुलिस की परीक्षा हो रही थी, आजमगढ़ पे भी परीक्षा आयोजित की गई थी। दिनांक 28 की द्वितीय पाली में जो 3 बजे से 5 बजे तक थी, उसमें दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंडेश्वर पर परीक्षा संपादन के दौरान ये पता चला कि एक अनिल कुमार यादव नाम का व्यक्ति परीक्षार्थी जो है वो एक दूसरे बच्चे जो ऋषि मुनि है उसके नाम से परीक्षा दे रहा है।
कक्ष निरीक्षक द्वारा शक होने पर उसे पूछताछ की गई और जो वहाँ पुलिस के ऑब्जर्वर थे केंद्र व्यवस्थापक द्वारा पूछताछ के दौरान ये प्रकाश में आया कि ये अनिल कुमार यादव जो भागलपुर बिहार का रहने वाला है, ये एक ऋषि मुनि जो परीक्षार्थी था उसके स्थान पर अपनी फ़ोटो लगा करके परीक्षा दे रहा था। इनको वहाँ से पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस के और केंद्र व्यवस्थापक द्वारा इसमें FIR दर्ज कराई गई है और इनसे पूछताछ करने पर इसने स्वीकार किया कि इसके अलावा इसने जो है एक और परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा दी थी, फिर उन दोनों व्यक्तियों को जिसके ऋषि मुनि और सत्य प्रकाश को भी साक्षी होटल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये लोग कैसे काम करते थे? ये पहले तय करते थे, इनका ग्रुप पता चला है कि इनके साथ और लड़के भी हैं जो ऐसे परीक्षार्थियों की तलाश करते हैं और उनसे जैसे इसने बताया कि 2 लाख रुपए में ये बात हुई थी कि परीक्षा होने के बाद 2 लाख रुपए मिलेंगे, इनको 60 लाख रुपए दिए गए, 60,000 रुपए दिए गए हैं और उनके माध्यम से ये उनका प्रवेश पत्र और ID वगैरह ले लेते थे और प्रवेश पत्र पर अपनी फ़ोटो को थोड़ा सा उसके समरूप फ़ोटो बना करके लगा करके वहाँ पर परीक्षा देने चले जाते थे और उसी के जैसे हस्ताक्षर की प्रैक्टिस कर लेते थे और जो वहाँ पे अटेंडेंस शीट या जो प्रश्न पत्र है उस पर जो आंसर शीट है उस पर हस्ताक्षर उसी तरह का बनाते थे ताकि कहीं पे इनको किसी को शक ना हो और ये परीक्षा को सफलता पाए। मंगलवार को करतालपुर बाईपास पर स्थित GD ग्लोबल स्कूल और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका सीधा प्रसारण DD नेशनल, DD न्यूज और DD इंडिया चैनल पर किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने शिक्षा, संस्कार और अनुशासन पर चर्चा किया। उन्होंने बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए कहा कि शिक्षा के हर पहलू को सामाजिक जीवन से जोड़ा जाए तभी शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण होगा। PM ने बच्चों से कहा कि दूसरों से प्रतिस्पर्धा न करें। GGIC में आयोजित कार्यक्रम में JD योगेंद्र कुमार सिंह, प्रधानाचार्य डॉक्टर सुधा सिंह आदि मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश में कार्यक्रम 11 बजे से 1 बजे तक ऑर्गेनाइज किया गया था, परीक्षा पे चर्चा। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे भारत के सभी क्षेत्रों से बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे और उन्हें ये बता रहे थे किस प्रकार परीक्षा की तैयारी की जाए, तनाव मुक्त रहा जाए और जो भी परीक्षा के विभिन्न आयाम होते हैं उस पर वो चर्चा कर रहे थे। जैसा कि आपने देखा, आपके सामने ही मैंने बच्चों से प्रश्न पूछे तो बच्चों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को न सिर्फ अच्छी तरीके से समझा है बल्कि प्रोत्साहित भी हुए हैं और इस तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं निश्चित रूप से बच्चों के लिए लाभप्रद होते हैं क्योंकि बच्चे जो क्लास रूम की जो एक थोड़ी सी टीचिंग के बारे में जो कहा जाता है थोड़ी सी बोर सी हो जाती है, उससे हट के इस तरीके के मोटिवेशनल कार्यक्रम बच्चों को बहुत लाभ पहुँचाते हैं। निश्चित रूप से मिलेगा। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर जल निगम कर्मचारी महासंघ ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जुलूस निकाला और इसके बाद मुख्यमंत्री को नामित मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान महासंघ के मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने बताया कि हमारा आंदोलन केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देश पर चल रहा है, कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम लखनऊ में क्रमिक अनशन करेंगे। उत्तर प्रदेश जल निगम समन्वय समिति केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देश पर हमारा कार्यक्रम माह दिसंबर 2018 से लखनऊ में चल रहा है
उसी क्रम में आज प्रदेश के सभी जनपदों में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें सप्तम वेतनमान लागू करना और जल निगम को पूर्व की भांति शासकीय विभाग के रूप में परिवर्तित करना और खष्टम वेतनमान का माह जनवरी 2006 से दिसंबर 2010 तक के एरियर के भुगतान की मांग हमारी शामिल है। और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम लखनऊ में प्रस्तावित है प्रधान कार्यालय में, वहाँ भी हम सब लोग जाएंगे और वहाँ हमारा क्रमिक धरना प्रदर्शन अनवरत चलेगा।